उम्मीद की बात इज ब्रॉट टू यू बाय इन्फिनिक्स हॉट एंड प्ले। क्वांटम फिजिक्स और जीवन में क्या समानताएं हैं? दोनों ही अभी तक हमारे लिए पहेली बने हैं। दोनों ही हमें बहुत आकर्षित करते हैं और दोनों में ही उम्मीद की बात गाहे बगाहे आ जाती है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं उम्मीद की बात। क्वांटम फिजिक्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट गेम चेंजर रहा था, जिसका दार्शनिक इंटरप्रिटेशन ये है कि स्थूल स्तर पर हम और आप बेशक अलग अलग हों, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर सब कुछ एक ही कॉस्मिक वेव का हिस्सा है। हमें लगता है कि हमारी इस ब्रह्मांड में स्थिति किसी पार्टिकल सी स्टैंड अलोन है, लेकिन कलेक्टिवली हम सब जीवन की उम्मीद का एक वेव पैटर्न बनाते हैं। कोविड महामारी के इस भीषण दौर से जूझते हुए अब की बार भी हमें उम्मीद की कई ऐसी बातें पढ़ने, देखने और सुनने को मिली जो इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को सत्यापित करती हैं। बातें इंडिविजुअल्स की, संस्थाओं की, मुहिम की और परिवारों की। तो चलिए शुरू की जाए बात उम्मीद की। पहली उम्मीद की बात हरियाणा से। हरियाणा रोडवेज के कुरुक्षेत्र डिपो ने 5 बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया। अब ये सारी बसें स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी जाएंगी। इन बसों या कहें कि एम्बुलेंसों में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। कुरुक्षेत्र रोडवेज डिपो के GM अशोक मुंजाल के मुताबिक हर बस में 4 मरीज अपने अटेंडेंट्स के साथ एकोमोडेट हो सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले एक और बात। 12 मई को यानी जिस दिन ये एपिसोड शूट हो रहा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती भी है। इसे इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया जाता है। देश भर से कई जाने माने लोग और सेलिब्रिटीज इन फ्रंटलाइन वर्कर्स को इनके कोविड के कार्यों के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामना भी शामिल है। लल्लन टॉप भी देश भर की नर्सेस को धन्यवाद कहता है पूरे देश के लिए उम्मीद की बात बनने के वास्ते। अब चलते हैं आज की दूसरी स्टोरी पर। दूसरी स्टोरी हमें उपलब्ध करवाई हमारी सहयोगी दिव्यांशी ने, और ये स्टोरी है हेल्प इंडियन हॉस्पिटल्स मुहिम के बारे में, जिसकी शुरुआत IIT कानपुर के कुछ पूर्व छात्रों ने मिलकर की। हेल्प इंडियन हॉस्पिटल्स का उद्देश्य देश भर के अस्पतालों को ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, बाईपैप मशीनें और बाकी जीवनदायक दवाइयाँ उपलब्ध करवाना है। इस मुहिम की शुरुआत एक फंड रेजिंग प्रोग्राम से हुई। 24 अप्रैल को मिलाप मंच के माध्यम से शुरू किए गए इस फंड रेजर प्रोग्राम के तहत सिर्फ 7 दिन के अंदर ही 1 करोड़ से ज्यादा की राशि इकट्ठा की गई। 12 मई तक ये राशि 2.5 करोड़ का आंकड़ा छू चुकी थी। अब तक इस राशि का करीब 90% हिस्सा अस्पतालों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दिया जा चुका है। इस संस्था के द्वारा अब तक 15 राज्यों के 51 अस्पतालों में मेडिकल जरूरतों का सामान पहुंचाया जा चुका है। इनका लक्ष्य है अगले कुछ दिनों में लगभग 7.5 करोड़ की राशि जुटाई जा सके, ताकि दूर दराज के इलाकों के अस्पतालों में भी जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा सके। इस संस्था ने हॉस्पिटल और लोगों तक अपनी सहायता पहुंचाने के वास्ते यूनिवर्सल हेल्थ फाउंडेशन नई दिल्ली और भूमिका ट्रस्ट चेन्नई जैसे NGOs के साथ भागीदारी की है। आज हेल्प इंडियन हॉस्पिटल्स को IAS अफसरों से लेकर करीना कपूर, अजय देवगन जैसे फिल्म स्टार्स भी साथ मिल दे रहे हैं, इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। इस मुहिम से जुड़े जो मूल लोग हैं, उनका कहना है कि आने वाले वक्त में जब हम इस महामारी से उभर जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी को बता सकेंगे कि हमने भरसक कोशिश की थी हालात बेहतर करने की। इस मुहिम में जुड़े कई IIT अलुमनाई ऐसे भी हैं जो विदेश में रहकर अपना योगदान दे रहे हैं। भारत के जो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके अंदर क्या हम टॉप 50 डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को रीच आउट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या आपकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स है। राजस्थान सरकार और उड़ीसा सरकार के साथ हम डायरेक्ट काम करने की हमारी पहल है, जिसके अंदर हम उनको इक्विपमेंट दे रहे हैं और फिर उनको कह रहे हैं कि आप जिधर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें उधर डिस्ट्रीब्यूट करें। कौन कौन से इक्विपमेंट हमने दे दिए हैं, हमने करीब 51 हॉस्पिटल्स को टच कर लिया है 15 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, और करीब हमने 500 के आसपास जो इक्विपमेंट है वो दी है। उसके अंदर करीब 135 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं, करीब 70 सिलेंडर हैं, करीब 54 बाईपैप मशीन्स हैं, 23 मॉनिटर्स हैं, 15 ECG मशीन्स हैं, बहुत सारे 400 के आसपास करीब फ्लो ऑक्सीफ्लो मीटर्स हैं, और जैसे जैसे हम अस्पतालों से रिक्वायरमेंट आती जाती है, हम वैसे वैसे उनको देते जा रहे हैं।
अब जरा इसके दर्शन पक्ष पर चलते हैं। इंटेंगलमेंट क्वांटम फिजिक्स का एक और अजब सा कंसेप्ट। दो इंटेंगल पार्टिकल्स अगर ब्रह्मांड के दो छोरों पर भी रख दिए जाएं तो भी एक का हाल दूसरे के मिजाज पर तुरंत प्रभाव डालेगा। सोचिए वो क्या चीज है जो प्रकाश से तेज यानी असंभव गति से चलकर इन दोनों पार्टिकल्स के बीच कम्युनिकेशन करवा रही है। वो क्या चीज है जो दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे भारतीयों को भारत की पीड़ाओं से इंटेंगल कर रही है। उम्मीद की तीसरी बात की तरफ बढ़ते हैं। यह है रीवा मध्य प्रदेश से। मऊगंज के थाना प्रभारी विद्या वारिधि तिवारी इन दिनों कोविड पॉजिटिव हैं। जब स्वस्थ थे तो लॉकडाउन के दौरान अपनी ड्यूटी के चलते जमकर तारीफ पा रहे थे, लोगों के पास जाकर जागरूक करते, और पॉजिटिव होने पर भी वो नहीं तो उनकी आवाज उम्मीद बनी है। यूं कि विद्या वारिधि इन दिनों गाना गाकर कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई कर रहे हैं। अपनी कोविड पॉजिटिव बेटी वैदेही के साथ मिलकर गाया उनका एक गाना सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें खुद उन्होंने हारमोनियम संभाल रखी है और गिटार पर है बिटिया रानी वैदेही। ना जाने कहाँ जाए हम बहती हारी में, ना जाने कहाँ जाए हम बहती हारी में। चौथी उम्मीद की बात विदेश से। एनआरआई सतीश अंबाती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी के सीईओ हैं। सतीश ने ऑक्सीजन फॉर इंडिया नाम की संस्था बनाई जो भारत में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजने का कार्य कर रही है। इस संस्था के प्रयास से अब तक 407 कॉन्सेंट्रेटर मशीनें भारत में आ चुकी हैं। हाल में संस्था ने KGMU लखनऊ को भी 8 कॉन्सेंट्रेटर मशीनें उपलब्ध करवाई। ऐसी एक मशीन की कीमत अमूमन 50 से 60 हज़ार रुपये के करीब बताई जाती है। ऑक्सीजन फॉर इंडिया के एक दूसरे सदस्य अपूर्व राजा रायजादा के अनुसार संस्था आगे चलकर और भी हेल्थ किट भारत भेजने की कोशिश करेगी। अगली उम्मीद की खबर हमें भेजी रांची से टीवी टुडे नेटवर्क के संवाददाता आकाश कुमार ने। यहाँ की एक महिला अधिवक्ता इन दिनों सड़क के किनारे, अस्पतालों के आसपास और धार्मिक स्थलों के पास रहने वाले आश्रितों के पास जाकर उन्हें भोजन उपलब्ध करवा रही हैं। रूना मिश्रा शुक्ला नाम की ये महिला सुबह से शाम तक सेवा के काम में लगी है। खाना बनाने से लेकर उसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का ये सारा काम रूना अकेले दम पर कर रही हैं। वो कहती हैं, सुरक्षा मानकों का ख्याल रखते हुए हर किसी को अपने स्तर से मदद करनी चाहिए। क्वांटम फिजिक्स कहती है, आप किसी पार्टिकल की गति और स्थिति एक साथ एक्यूरेटली नहीं माप सकते। जितने प्रिसाइसली आप गति नापेंगे, स्थिति के मामले में आपको उतना अधिक अप्रोक्सीमेट होना पड़ेगा। तो जब आपकी गति को, आपके कार्य को प्रिसाइसली मापने की बारी आएगी, तब कोई न माप पाएगा आपकी स्थिति, आपका स्टेटस, आपका अधिवक्ता या सुप्रीम कोर्ट का जज होना, आपका महिला, पुरुष या थर्ड जेंडर का होना, और हिसाब किताब रखने वाला सहेज लेगा इन सभी मापों को अपने रोजनामचे में। जो आश्रित लोग हैं, जैसे मंदिर पे जो आश्रित थे या लोगों के दान दक्षिणा से आश्रित थे, अब वो भी भूखे मरने की उनकी नौबत आ गई है। तो उनको कभी मैंने सूखा अनाज भी दिया, लेकिन जब उन्होंने बोला कि उन लोगों ने कई दिनों से भात नहीं खाया है, चावल दाल नहीं खाया है, तो मैं घर में जो मैं खाना खाती हूँ वही मैंने ज्यादा बनाया, घर में खुद से बना के पैक करके मैं लेके गई और उन लोगों के बीच में मैंने बांटा। और तकरीबन ये एक दिन बीच करके मैं निकल रही हूँ, कभी रोज दिन भी हो जाता है, कभी एक दिन बीच करके भी निकलती हूँ, लेकिन मैं जो खाना खुद खाती हूँ वही बनाती हूँ, पैक करती हूँ और देकर आती हूँ। अगली उम्मीद की बात। संजय राय शेरपुरिया नाम के एक समाजसेवी युवक हैं। छठवीं उम्मीद की बात उनके ही बारे में है। वैसे तो संजय गुजरात में रहते हैं लेकिन मूल निवासी हैं गाजीपुर के। इन्होंने अपने गृह जनपद आकर जिलाधिकारी के माध्यम से 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डोनेट किए। इसके अलावा वो अब तक एक टेली मेडिसिन वैन, एक एम्बुलेंस, 10,000 टेस्टिंग किट और मेडिसिन किट भी डोनेट कर चुके हैं और उनकी योजना है जल्द ही 40 बेड का कोरोना वार्ड बनाने की। संजय अपने गृह जनपद को एक पूर्ण विकसित जनपद के रूप में देखने का सपना रखते हैं और इसी वास्ते उन्होंने यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर नाम की संस्था की भी नींव रखी। गाजीपुर के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने संजय को उनके काम के लिए धन्यवाद दिया और कहा जल्द ही संजय जनपद के मरीजों के लिए और भी जरूरत के सामान डोनेट करेंगे।
अगली उम्मीद की बात बेजुबान जानवरों के लिए। लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू के लंबा चलने से स्ट्रे डॉग्स और बाकी सड़क पर रहने वाले पशुओं को काफ़ी दिक्कत होती है। तब तक जब तक बाजार गुलजार था, इन्हें खाने पीने को कुछ ना कुछ मिल जाता था, लेकिन अब इनका क्या हाल हो रहा होगा अनुमान लगाना मुश्किल नहीं। ऐसे में स्तुति खंडेजा जैसे लोग इन जानवरों के लिए आगे आ रहे हैं। स्तुति खंडूजा इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष की छात्रा हैं, लॉकडाउन में अपने घर प्रयागराज चली आई। इन्होंने खबरों में जब लोगों की परेशानी सुनी तो ख्याल आया कि बेजुबानों की बात कौन सुनेगा इस वक्त में। माता पिता से परामर्श किया और रोज शाम को रोटी और बिस्किट लेकर अपने क्षेत्र में निकलने लगी। इस तरह के एक दूसरे वीडियो में आपको दिख रहा है कि ई रिक्शा पर खाना लाद कर कमल नाम का भी एक शख्स भोजन बांटने निकला है। हमने एक एपिसोड में आपसे लोक ऋण की बात कही थी। ऐसा ही एक ऋण होता है भूत ऋण, मतलब जानवरों, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों के प्रति हमारा कर्तव्य। ये स्टोरी प्रयागराज के छोटे से हिस्से की है, सिर्फ दो लोगों की, जिनकी डिटेल्स संयोग से हमें मिल गई। लेकिन भारत भर में हर जगह ऐसे इलाके होंगे जहां ये स्ट्रे एनिमल भूख के मारे बेहाल होंगे। हालांकि कई जगह पर स्तुति और कमल जैसे लोग भी होंगे, लेकिन बाकी जगहों पर आप में से कोई एक बन सकता है। अनुरोध है कि अपने आंगन में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। मोहल्ले के जो कुत्ते बिल्ली हैं उनको भी, गाय हैं या दूसरे पशु, खाने के लिए कुछ देते रहें। और अंत में आप ही उन्हें धन्यवाद बोलें, क्योंकि आपको वो भूत ऋण से उऋण कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे अपने गांव की शाम याद आ रही है। माँ जब रोटी बेला करती थी तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकलती थी, अग्रासन बोलते थे उसको। फिर हम जाकर उस रोटी को खिलाते थे और ये गौर करते थे कि जो गाय और भैंस है हमारे घर की, उनको आटा मिला दो अगर उनके भूसे में तो वो बड़े चाव से खाते हैं। खली के मामले में भी ऐसा होता था, तो कई बार अपने राम को लालच होता था कि खूब सारा आटा मिला देते हैं या खूब सारी खली मिला देते हैं तो ये चाव से खाएंगे। फिर जो भैया हमारे जानवरों की देखभाल करते थे, उन्होंने समझाया कि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, बहुत ज़्यादा खिला देंगे अगर इस तरह के अवयव तो जानवरों को भी दस्त लगने लगेंगे। तो अग्रासन खिलाइए, जानवरों की मदद करिए, लेकिन इस हद को भी ध्यान में रखकर। ये तो मेरी बात हो गई, लेकिन आज की सब बातें क्वांटम फिजिक्स से जुड़ी हैं, तो उस पर फिर लौटते हैं। क्वांटम फिजिक्स में श्रोडिंगर की बिल्ली वाला थॉट एक्सपेरिमेंट आपको पता है क्या? उसमें जब तक आप बिल्ली को देख न लें तब तक वो जीवित और मृत दोनों है। हमारी आपसे विनती और उस बिल्ली के लिए दुआ है कि अगर आप वो बिल्ली देखें तो उसे जीवित देखें और जीवित रखें। आठवीं उम्मीद की बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। यहाँ स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन ने ऑटो यूनियन के साथ मिलकर उन कोविड पेशेंट्स के लिए मुफ्त ऑटो सेवा शुरू की जिन्हें हॉस्पिटल आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या जिन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल रही और मिल भी रही तो इतनी महंगी कि अफोर्ड करना मुश्किल है। स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन के ये ऑटो एम्बुलेंस के विकल्प के रूप में इसलिए काम आ रहे हैं क्योंकि इनमें ऑक्सीजन, रेगुलेटर और मास्क जैसी सभी बेसिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनके चालक सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीपीई किट भी पहन रहे हैं। लखनऊ के नागरिक नीचे फ्लैश हो रहे हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क करके इस निःशुल्क ऑटो सुविधा का लाभ ले सकते हैं। स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन की संस्थापक स्वाति श्रीवास्तव के मुताबिक ऑटो ड्राइवर्स का इंश्योरेंस भी किया जाएगा, साथ ही उनके दैनिक भुगतान से लेकर ऑटो में तेल और सिलेंडर में ऑक्सीजन भरवाने का जिम्मा भी फाउंडेशन का होगा। नवी उम्मीद की बात बेगूसराय से, बिहार से, जहां पंकज कुमार नाम के एक शख्स ने अपने निजी दुख के बीज से सार्वजनिक उम्मीद का बरगद पैदा किया। पंकज बेगूसराय में दून स्कूल के डीन हैं। उनकी बहन जब कोरोना संक्रमित हुई तो उनका इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चला, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के चलते बहन को बचाया नहीं जा सका। पंकज ने उस हॉस्पिटल में अपनी बहन के अलावा कई अन्य लोगों को ऑक्सीजन की कमी से मरते देखा। ऑक्सीजन की कमी से किसी और की जान ना जाए, इसके वास्ते उन्होंने अपने स्कूल को कोरोना हॉस्पिटल में बदल दिया। स्कूल से हॉस्पिटल में बदली गई इस फैसिलिटी में कुल 30 ऑक्सीजन बेड हैं। स्कूल प्रशासन ने बेगूसराय के डीएम को चिट्ठी लिखी और मांग की कि आप यहां पर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी भेज दें, बाकी इंतजाम हमने कर दिए हैं और मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियाँ बचाई जा सके। आज की दसवीं और आखिरी उम्मीद की बात जम्मू कश्मीर से। पेशे से ड्राइवर 50 वर्षीय मंजूर अहमद अस्थमा के चलते पिछले 3 बरस से 2400 घंटे ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। ड्राइविंग करते वक्त भी एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा उनके साथ होता है। मंजूर एक लोड कैरियर चलाते हैं और श्रीनगर के ऑक्सीजन प्लांट और वहां के हॉस्पिटल के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रांसपोर्ट करते हैं। कोविड इमरजेंसी के दौरान भी मंजूर कोविड रोगियों की सेवा करने में अपना योगदान देना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सांसों के लिए हांफने वालों को कैसा महसूस होता है। उम्मीद की बात में आखिरी में आता है उम्मीद का संदेश। इस उम्मीद के संदेश में आज सुनते हैं लखनऊ के इमरान खान को।
सामान्य परिस्थितियों में भी इमरान अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और इलाज मुहैया करवाते आए हैं। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान उन्होंने पलायन कर रहे मजदूरों को मुफ्त भोजन उपलब्ध करवाया और दूसरी वेव के दौरान भी वो खाना, दवा और ऑक्सीजन पहुँचा रहे हैं। इमरान और उनके साथी कोरोना से जान गंवा चुके लोगों के गरीब परिजनों को वैन और अंतिम संस्कार से जुड़ी अन्य सामग्री भी निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन इस महामारी में हम सब ने अपने करीबी लोगों को खोया है। एक मदद की मुहिम शुरू की, अब इसमें यह है कि हम लोग फ्री ऑक्सीजन लखनऊ में जो भी कोविड फैमिली जिनकी फैमिली कोविड हो गया है उनको फ्री डिलीवरी खाने की, या अगर दवाओं की ज़रूरत है तो डॉक्टर से कंसल्ट कराने के बाद पूरी दवाएं, या बुज़ुर्ग जो लखनऊ में रह रहे हैं जो बाहर नहीं निकल सकते उनके लिए दवाएं और ग्रॉसरीज, उनकी होम डिलीवरी, ये सारा इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। अगर कभी भी किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में बेड की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है घर पर, या दवाओं की ज़रूरत है, तो किसी वक्त 24 घंटे टाइम नहीं सोचना है। अगर आपको ज़रूरत है तो आपको मुझे फ़ोन करना है, सिर्फ एक, हर वक्त मेरा फ़ोन रिसीव होगा और मदद आपके घर पे पहुंच जाएगी। आखिरी में आपको क्या कहूं, फिर से क्वांटम फिजिक्स। आइंस्टाइन को एक तरह से क्वांटम फिजिक्स का प्रणेता कहा जा सकता है, और लोगों का मानना गलत है कि अपने जीवन के अंतिम दशकों में उन्होंने क्वांटम फिजिक्स को नकार दिया था। दरअसल उन्होंने क्वांटम फिजिक्स को नहीं, इसके उस रूप को नकारा था जिसे और परिमार्जित करने की जरूरत थी, और तब उन्होंने कहा था, गॉड कांट प्ले डाइस विद अस। आज करीब एक सदी के बीच जाने के बावजूद क्वांटम फिजिक्स वहीं पर अटकी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बड़े सवालों को हल करने में बेशक लंबा वक्त लगता है, लेकिन फिर मिलने वाले उत्तर भी उतने ही क्रांतिकारी, उतने ही युग प्रवर्तक होते हैं। और उत्तर खोजने के दौरान काम आता है ढेर सारा परिश्रम, ढेरों जिजीविषाएं और अनंत उम्मीदें। उम्मीदें जो साइंस से लेकर एथिक्स तक पसरी हुई हैं, उम्मीदें जो कहती हैं, गॉड कांट प्ले डाइस विद अस। आज के लिए इतना ही। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन्स की तरह निश्चित इस काल में भी कहीं भीतर उम्मीद की स्ट्रिंग्स सभी 10 आयामों में नृत्य कर रही हैं। अलविदा। और इससे पहले कि आप इस लिखाई पर क्वांटम फिजिक्स को उम्मीद की बात के साथ क्लब करने पर सराहना के शब्द कहें, याद रखिए, ये सारी सुंदर उम्मीद की बातें आप तक पहुँचाते हैं हमारे कमाल के साथी और कवि भी, दर्पण साहब।